मैं राजेंद्र मीणा शिक्षा विभाग से हूँ और वरिष्ठ सहायक हूँ, और इसमें मंत्रालय कर्मचारी मासिंग में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। 2013 में गहलोत सरकार से हमारा समझौता हुआ था, उसमें हमारे ग्रेड पे 3600 सचिवालय के समान वेतन भत्ते, 11500 पद देने की बात हुई थी। उस टाइम चुनावी दौर था, गहलोत सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे आपके साथ हम ये पूरी डिमांड पे आपको पूरी करेंगे। लेकिन जैसे सरकारें सत्ता में आती हैं, मंत्रालय कर्मचारी वर्ग हर बार ठगा गया है। हमारे वेतनमान किसी समय में एक थर्ड ग्रेड टीचर से ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन इन सरकारों के दोगले रवैये के कारण हमारे वेतनमान आज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर हो गए, जिसका रोष आज यहाँ पर शहीद स्मारक पर आपको देखने को मिल रहा है। 2 अक्टूबर से लगातार हमारा आमरण अनशन और महापड़ाव ये धरना जारी है, और 21 तारीख से हमने चेतावनी दे दी है कि सभी मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर यहाँ पर आ जाएंगे और सरकार के कामकाज को ठप कर देंगे। मैं इस संवेदनशील और गांधीवादी सरकार के मुखिया गहलोत जी से निवेदन करता हूँ कि आपको अल्पवेतन भोगी कर्मचारी जो आज 2 अक्टूबर से पड़े हुए हैं, 18 दिन हो गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार आज 11वां दिन है उनको भूखे बैठे हुए, मनोज सक्सेना जी, इस संवेदनशील सरकार को चाहिए कि वो आकर यहाँ वार्ता करे या वार्ता के लिए निमंत्रण दे। ऐसा ही रवैया रहा तो आने वाले समय में और भी कर्मचारी संगठन हमारे सहयोग में आ रहे हैं, हमारे हित में अपील कर रहे हैं, वो भी हड़ताल पे उतर जाएंगे और सरकार की हालत देखने जैसी हो जाएगी। इसलिए सरकार को मंत्रालय कर्मचारियों की डिमांड पे गंभीरता से चर्चा करके और जल्दी आदेश जारी करने चाहिए।